वेलकम बैक दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अब ये जो हमारा पॉइंट है, दिस इज फ्रॉम द फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी, इसमें का हमारा पॉइंट है। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस टॉपिक का। ओके, तो अब ये जो हमारा पॉइंट है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का है, मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज है इन बायोटेक्नोलॉजी। अब ये टर्म आपके लिए नई नहीं होगी, या बहुत लोगों के लिए शायद नई हो सकती है, कई लोगों के लिए नई नहीं होगी, क्योंकि ये ट्वेल्थ के अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो है हमने देख चुके हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन मॉडिफिकेशन करते हैं और रिकॉम्बिनेट डीएनए हम यहाँ पर बनाते हैं, और उस रिकॉम्बिनेट डीएनए को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। समझिए, नहीं समझे, देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, कि हम यहाँ पर बायोलॉजी का यूज करके, मतलब ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर यूज करके हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, या न्यू या उस प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम यूज ऑफ क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस का, टू मेक व्हाट और चेंज प्रोडक्ट। यहाँ पर हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो फूड प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, या फूड प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब चेंज क्यों करें या बना क्यों रहे हैं, ताकि जो हम न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे या चेंजेस जो करेंगे, उस चेंजेस की वजह से वो जो फूड मटेरियल है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा या ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, तो हम उसके अंदर मोर न्यूट्रिशियस बनाएंगे उसे, या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देंगे। ओके, जिसकी वजह से उसका जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे, या उसके अंदर न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे। ओके, जिसकी वजह से वो जो फूड प्रोडक्ट है या जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो क्या बनेगा, न्यू भी होगा और उसके अंदर वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो इस प्रोसेस का हम यूज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करेंगे और न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनके पास कुछ ऐसे जीन्स है जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो बीटी जो बैक्टीरिया है, पता है आपको, बैक्टीरियस जो सॉइल के अंदर, सॉइल बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल थुरुनजीसिस। ओके, आपको पता होगा बीटी, आपने सुना होगा। तो बैक्टीरियल थुरुनजीसिस के अंदर क्या है, या ये सॉइल बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास से बीटी जीन। ओके, अब ये जो जीन है अगर ये एक्सप्रेस होता है तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, और वो जो प्रोटीन है वो क्या है, हार्मफुल है, किसके लिए, यस, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और या इंसेक्ट के लिए, लेकिन हमारे लिए वो जो उस प्रोटीन है वो क्या है, बेनिफिट, हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं है। तो अब हम इस जीन को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे प्लांट के अंदर, और जब हम इस जीन को फ्रॉम कहां से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हम इस जीन को लेंगे और इस जीन को हम डाल देंगे प्लांट्स के अंदर। अगर हम इसको प्लांट के अंदर डाल देंगे तो प्लांट भी क्या करेंगे, वही प्रोटीन जो है अब प्लांट के अंदर बनना शुरू हो जाएगा, और वो जो प्रोटीन है वो प्लांट के, यस, वो प्लांट बनाना शुरू कर देगा। और वो प्रोटीन अगर ऐसा फूड मटेरियल है, ऐसा जो प्लांट है अगर इनसे कंज्यूम करता है, तो वो भी क्या होगा, वो किल होगा, क्योंकि अगर वो उस प्लांट को अब कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर वो प्रोटीन चला जाएगा उस इंसेक्ट के अंदर, और वो जो प्रोटीन है वो उस इंसेक्ट के लिए क्या है, हार्मफुल है। ओके, तो वो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, वहां पर डाई हो जाएगा। तो कोई भी इंसेक्ट जो है अब उस प्लांट को क्या नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। अगर उस प्लांट को हमने प्रोटेक्ट कर लिया तो सारा का सारा जो अभी फूड प्रोडक्ट है या जो भी प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, यस, प्रोटेक्ट हो गया, और जिससे क्या होगा, हमारी जो क्या है, यील्ड है वो बढ़ जाएगी, जिसके वजह से हम ज्यादा प्लांट्स जो है, अब सारे प्लांट जो है वो प्रोटेक्ट हो गए हैं, और वो जो प्लांट है अब हम उससे ज्यादा यील्ड या ज्यादा इनकम कमा सकते हैं, विदाउट एनी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स या कुछ नहीं है, या हर्बिसाइड्स किसी का भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो प्लांट जो है वो खुद को ही प्रोटेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर जीन इंसर्ट कर दिया, इसके वजह से वो खुद ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अब यहां पर हम यूज क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी का प्रोसेस का यूज करके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे। आई होप आपको समझ गया कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जीन ले रहे हैं, उस जीन को प्लांट के अंदर डाल रहे हैं या एनिमल के अंदर डाल रहे हैं, और कहीं पर हम क्या कर रहे हैं कि
कुछ ऐसे जीन है जो जो अगर हमने इंसर्ट किए तो क्या होगा, यस अगर हमने इंसर्ट किए तो उससे फॉर एग्जाम्पल टोमेटो है, तो टोमेटो की हम शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं बाय इंसर्टिंग अ जीन। ओके, तो कुछ वहां पर हम क्या करें कि वहां पर हम टोमेटो तो बना रहे हैं लेकिन टोमेटो को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं या उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। और कुछ हम क्या कर रहे हैं, जैसे गोल्डन राइस बना रहे हैं हम, तो गोल्डन राइस बनाने के हम उसके अंदर जीन इंसर्ट कर रहे हैं और बीटीएस जीन इंसर्ट कर रहे हैं, वो जीन क्या करेगा कि विटामिन ए प्रोड्यूस करेगा। ओके, किसके अंदर, राइस के अंदर विटामिन ए प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम क्या, हमें क्या मिल गए, एक न्यू वेराइटी ऑफ राइस मिल गए जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन राइस, जो कि अब विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ओके, और जिसकी वजह से जो भी रूरल एरिया जो है या जिस एरिया में यस विटामिन की डेफिशिएंसी है, ऐसे पर्सन को या ऐसे चाइल्ड को हम दे सकते हैं ताकि उनकी जो विटामिन डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो और वो जो चाइल्ड है वो क्या हो, हेल्दी, उसकी जो आईज है वो हेल्दी हो। तो इसकी वजह से हम ये चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जीन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर दो टर्म आपको पता चाहिए, पहला वो है जीन मॉडिफिकेशन और दूसरा हमें पता होना चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो है जीन मॉडिफिकेशन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। जीन मॉडिफिकेशन मतलब क्या, कि हमने क्या किया कि बैक्टीरिया के अंदर से एक जीन लिया, डिजायरेबल जीन, और वो जीन हमने क्या किया, प्लांट के अंदर या दूसरे पीसेस के अंदर हमने इंसर्ट कर लिया, तो इसे हम कहते हैं जीन मॉडिफिकेशन। अब ये ट्रांसफर किया जीन इनटू द व्हाट, सिलेक्ट इनटू द सिलेक्टेड एनिमल या इनटू द प्लांट के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया और जीन को क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया, दिस इज कॉल्ड अ जीन मॉडिफिकेशन। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब क्या, कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां पर बनाना है, कि हमने क्या किया कि यस एक पीसीज या डिफरेंट वेराइटी। ओके, जब हम दो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से जब हम जीन्स को निकालते हैं और उस जीन को जब हम ज्वाइन करते हैं या मिक्स करते हैं तो जो डीएनए बनता है उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से जीन्स को निकाला और उसे जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ओके, इन दोनों का यूज करने वाले, जीन मॉडिफिकेशन भी करेंगे और जीन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का भी यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पे हम करने क्या वाले, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एंड एनिमल, ओके, यहां पर हम प्रोड्यूस करते हैं, जो प्लांट या जो एनिमल प्रोड्यूस होगा बाय बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ओके, या फूड, अगर फूड होगा तो हम फूड बनाएंगे। ओके, तो यहां पर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या एनिमल हम बनाएंगे, ओके, एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अगर हम देखें तो यहां पर क्या करते हैं हम, ओके, सो सिलेक्टेड जीन जो है, आपको पता होगा बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहली प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ द जीन, उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ द वेक्टर, और फिर ट्रांसफर ऑफ द जीन। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द जीन हम करेंगे, फिर सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द वेक्टर, जैसे कि प्लाज्मिड है, जीन्स डिजायर जीन लेंगे उसको वेक्टर मतलब प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे और उसको फिर हम इंसर्ट करेंगे अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वही यहां पर है कि सिलेक्टेड जीन्स हम लेंगे और वो ट्रांसफर करेंगे प्लांट से एनिमल के अंदर, और डिजायर चेंजेस जो है उस प्लांट या एनिमल के अंदर आएंगे उसकी वजह से। ओके, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है यहां पर, कि जीन जो है उसको हम लेंगे और फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ओके, और वो जीन हम इंसर्ट कर देंगे अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, अदर जी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ओके, और जो ऑर्गेनिज्म अब फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ओके, बेनिफिट्स क्या है इससे, तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड जो उसका यूज कम हो जाएगा। दूसरी चीज है आपकी बेटर क्वालिटी ऑफ द फूड हमें मिलेगा, ओके, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ओके, इनहांसिंग द प्रोसेसिंग क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, ओके,
उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने टोमेटो बना चुके हैं, गोल्डन राइस बना चुके हैं, मेज बना चुके हैं, ओके, एंड वैक्सीन भी हम बना सकते हैं, बना चुके हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है सारे के सारे। अब टोमेटो जो है उसकी जो सॉफ्ट होते थे कि जो टोमेटो है चार जाते थे, चार पांच दिन के अंदर जो टोमेटो थे वो क्या हो जाते थे, सॉफ्ट हो जाते थे। तो उनकी सॉफ्टनेस को क्या करने के लिए, वो सॉफ्ट हो जाते और फिर खराब हो जाते थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, टोमेटो फॉर्म ऐसे टोमेटो बनाए कि जिस टोमेटो में क्या है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। तो उसके अंदर हमने एक ऐसा जीन इंसर्ट कर दिया टोमेटो के प्लांट्स के अंदर कि टोमेटो जो है वो अब क्या नहीं होंगे, यस, सॉफ्ट नहीं होंगे, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ऐसे हमने उसके अंदर जीन इंसर्ट किया। दूसरा है गोल्डन राइस, ये राइस के अंदर हमने वेराइटी एड किया गोल्डन राइस कि जो राइस था उसमें जो नॉर्मल राइस है, नॉर्मल राइस के अंदर क्या नहीं है, विटामिन ए नहीं है, लेकिन गोल्डन राइस के अंदर हमने विटामिन ए ऐड किया, ओके। दूसरा है मेज, तो मेज जो इसके अंदर हमने क्या किया, मेज को पेस्ट रेजिस्टेंट मेज बना दिया कि अब मेज जो है, इस मेज को क्या है, मेज मतलब क्या, यस, जो हम मक्का जिसको बोलते हैं, ओके, तो मेज जो है उसको हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना दिए मेज के, जिसकी वजह से जो मेज प्लांट है वो प्रोटेक्ट हो गए फ्रॉम द पेस्ट विदाउट एनी यूज ऑफ पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड, ओके। सो कैसे किया हमने वो कि बीटी जीन जो है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, जिसके हमने वैक्सीन जो है, तो हमने क्या किया, पोटैटो टोमेटो, ओके, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, कैरी द वैक्सीन, वैक्सीन ऐड कर दिया पोटैटो टोमेटो के अंदर, ओके। और किसके लिए, फॉर द इन्फेक्शन ऑफ लीवर डिसीज या हेपेटाइटिस की जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करने के लिए हमने पोटैटो या वेजिटेबल के अंदर ही क्या ऐड कर दिया, वैक्सीन ऐड कर दिया। ये बाइट कि इंडिया के अंदर जो है हमने 3 हाइब्रिड वेराइटी ऑफ कॉटन जो है उसको लॉन्च किया गया है। अब ये सारे के सारे जो है ना, टोमेटो, गोल्डन राइस, मेज या वैक्सीन, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने प्रोडक्ट बनाए, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है ये कहीं स्विट्जरलैंड के अंदर, कहीं लंदन के अंदर, इस कंट्री में बनाए गए हैं, इंडिया के अंदर नहीं बनाए गए, ओके। अभी बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल जो है ये दो ही लॉन्च हुए, ओके। इन इंडिया देखिए 3 हाइब्रिड, ओके, 3 हाइब्रिड कॉटन कंटेनिंग बीटी कॉटन सभी लॉन्च हो चुके हैं, ओके, और इसकी अप्रूवल भी मिल चुकी है। दूसरा यहाँ पे ट्रायल्स चल रहे, हमारे रिसर्च लैबोरेटरी जो है उसके अंदर ट्रायल्स चल रहे, किसके, कि उसके मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड के अंदर बारनस बार स्टार जीन ऐड करना चालू है, ओके, ऐसी वैरायटी जो है इनके ट्रायल्स चालू है इन द रिसर्च फील्ड के अंदर। राइस एंड ब्रिंजल जो है इसके अंदर बीटी कॉटन, ओके, बीटी जीन जो है, राइस एंड ब्रिंजल कंटेनिंग बीटी जीन्स, ऐसे वैरायटी बनाना शुरू है। और पोटैटो जिसके अंदर लाइसिन प्रोटीन जीन फ्रॉम द, जो कि फ्रॉम अमरनाथ के अंदर, जो कि यस दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो ये ट्रायल जो है ये चल रहे हैं, और ये भी अभी, ये भी जो बीटी ब्रिंजल एब्रिटी राइस है, ये भी अभी जवाहर या यूनिवर्सिटी के फील्ड रिसर्च फील्ड में ये काम चल रहा है, ये ट्रायल बेसिस पे अभी काम चालू है इसका। दूसरा है, इन मेनी कंट्रीज के अंदर जो गवर्नमेंट है ना, तो वो गवर्नमेंट अभी जो कि इनकी ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है इनको भी, इनके एक लेजिस्लेशन लगाया, ओके, इन द मेनी कंट्रीज गवर्नमेंट हैव लेजिस्लेशन फॉर द डेवलपमेंट के लिए, रिलीज के लिए, कल्टीवेशन के लिए, इनके सेल के लिए, इम्पोर्ट के लिए इनको गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, इसके बिना ये लॉन्च नहीं कर सकते, ओके। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को अगर लॉन्च करना है तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल रूल या स्पेशल एक रूल्स अप्लाई किए हैं कि उनको एक परमिशन लेनी पड़ेगी, एक ट्रायल देना पड़ेगा उसके, या वो सेफ है या नहीं सबसे पहले वो देखेंगे और उसके बाद में ही इनको लॉन्च किया जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि फर्मेंटेड फूड के अंदर तो ये रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है, जीन प्रोवाइड करते हैं, सिंपली ये जीन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और जीन प्रोवाइड करने के साथ ये ट्रांस, ओके, जीन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजायरेबल जीन हमें इनसे मिल रहा है। दूसरी चीज क्या है, इनसे हमें वेक्टर मिल रहा है, प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड कॉस्मिड आपने सुना होगा, तो वो भी हमें बायोटेक्नोलॉजी इनसे मिल रहा है, और इन्हीं की वजह से मॉडिफाइड फूड जो है ये फॉर्म हो रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर डिजायरेबल जीन ही नहीं होगा हमारे पास
तो हम प्रोसेस ही करने से, क्योंकि पहली कंडीशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की वो है सिलेक्शन ऑफ द डिजायर जीन। अगर जीन ही नहीं है तो कोई भी प्रोसेस हो नहीं सकती। तो माइक्रो बायोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो दिस इज अबाउट रोल ऑफ माइक्रो बायोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फर्मेंटेशन।